हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी अपना बता देती हूँ कि कैसी हूँ। मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मैं सोची आज आप लोग के साथ आप लोग को अपना परिचय दूँ, क्योंकि मैं वीडियो तो काफ़ी दिनों से शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, पर अपना परिचय नहीं दी हूँ। और ये मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आया था, तो देर ही सही मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ अपना परिचय ही दे दूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई वीडियो भी नहीं था जो कि मैंने शूट की हूँ, कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। मेरा कल काफ़ी सिर दुख रहा था, तो इसके लिए आज कोई वीडियो नहीं है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बेटी हूँ, बहू हूँ, बीवी हूँ और माँ हूँ। मैं यूपी से हूँ, एक साधारण गांव से हूँ और साधारण हाउस वाइफ हूँ। मैं हूँ यूपी से, पर इस टाइम में मैं महाराष्ट्र में हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, और तो मैं भी यहीं पे हूँ, और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रहती हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, मेरे हस्बैंड का अभी हो गया 6 महीना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर भी वो ठीक है, काफ़ी उतना काम तो नहीं कर पाते हैं, फिर भी जाते हैं, तो बस कैसे ना कैसे करके चल रहा है। और मेरे 3 बच्चे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया मैं एक माँ हूँ। तो हाँ, मैं माँ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे मेरी लड़की हैं, बेटी हैं, जो कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेटा हो या बेटी हो, सब एक ही समान है हम लोग के लिए। तो बेटे की भी चाह थी पर बेटा नहीं हुआ। तो 3 बेटी हैं, और पहली बेटी है 8 साल की, दूसरी है 5 साल की और तीसरी है 1 साल की। तो और जो कि लाडो हैं, वो वीडियो में अक्सर आया करती हैं, आप लोग ने तो उनको देखा ही है। और जानवी ईशानी हैं, वो लोग बड़ी हैं, तो वो लोग उतना वीडियो में आती नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अपना पढ़ाई वगैरह करती रहती हैं, तो इसलिए वीडियो में नहीं आती है। अभी पीछे ही है, सब जन खेल रही हैं, टीवी देख रही, टीवी आगे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बस यही था। और मैं इंस्पायर कैसे हुई यूट्यूब चैनल अपना बनाने के लिए, तो मैं आप लोग के साथ वो भी आज शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बहुत पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, था छोटा वाला था, जो कि नेट वाला फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन। तो जानवी के पापा का फ़ोन था, मैं उसमें यूट्यूब चैनल देखा करती थी। बहुत सी लेडी ऐसी थी कि मतलब अपना रेगुलर का रूटीन दिखाती थी, शेयर करती थी, जैसे कि ब्लॉगिंग करती थी, कहीं भी बाहर जाती थी, घर का काम रहता था, रेसिपी वगैरह वो सब शेयर करती थी। और मैं बहुत लोगों को फॉलो की थी, सब्सक्राइब की थी और सबका चैनल देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था देखते हुए। तो जब मेरे पास भी स्मार्टफोन हो गया, तो मैं सोची क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल बनाऊं। तो मैं भी चैनल बनाई और अपने चैनल का नाम दी इंडियन ब्लॉग अंजू। और मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती हूँ, मेकअप वगैरह नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा जो घर का काम तो मैं कर ही सकती हूँ और शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने यही चैनल चुना हुआ है, ये अपने चैनल का यही नाम चुना हुआ है। और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, जो डेली का रूटीन रहता है वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जैसे कि आप लोग से बता दी हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है यूट्यूब के बारे में। तो जो भी मैं करती हूँ वो मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ, जैसे कि टाइटल हो गया, थंबनेल हो गया, एडिटिंग हो गया, और ये सब मैं YouTube चैनल से ही सीखी हूँ सर्च कर करके। तो बस जो भी है मैं वही करती हूँ जो मुझे आता है, और मैं अभी भी सीखती रहती हूँ। तो अगर अपना वीडियो भी शेयर करना रहता है, फिर सीखना भी रहता है, घर का भी काम करना रहता है, बच्चे को भी संभालना रहता है, तो सोचो कितना मुश्किल होती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो बस इतना ही बोलना है मुझे आज। और प्लीज़ फ्रेंड्स, फुल वॉच किया कीजिए हर वीडियो में और सपोर्ट कीजिए। तो आइए, आज मैं आपको अपने 3 बेटी से मिलाती हूँ। लाडो से तो आप मिले ही हैं, बाकी की 2 बेटियों से मिला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी जानवी, जो पीछे है ये, और ये है सेकंड नंबर वाली ईशानी, और ये है लाडो। तो बड़ी वाली बेटी मेरी उतना बोल नहीं पाती है, ज़्यादा बातें नहीं कर पाती है, बस थोड़ा बहुत ही बातें करती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो वो लोग बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा, बात करने लगेंगी, पर हम लोग यही सोचते हैं, सिखाने का बहुत सिखाती हूँ मैं, और आधा से ज़्यादा मेरा टाइम इनके ही मतलब सिखाने में ही निकल जाता है, जानवी के ही टाइम में। और डॉक्टर बोले हैं टाइम लगेगा, वो बात करेगी, लेकिन अभी 8 साल की हो गई, अभी तक बराबर बात नहीं कर पाती थी, इसके लिए बहुत टेंशन होता है, क्या करें, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं।
तो कोई नहीं, देखते हैं। देखिए तीनों जन यहाँ पर खेल रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय 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 लड्डू बाय करो बाय बाय बाय।